नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों का रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बता दें, यूपी के एटा नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण अब वो धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। दरअसल पूरा मामला एटा नगर पालिका परिषद का है, जहां लंबे समय से नगर पालिका कर्मियों और सफाई कर्मियों को वेतन और भत्ता पेंशन के बाद भुगतान न मिलने पर जिला प्रशासन से नाराजगी जताते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 सालों से जो वर्दी उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो भी अभी तक उन्हें नहीं मिली है और ना ही वेतन मिल रहा है। ऐसे में अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो अब वो धरने के बाद आंदोलन भी कर सकते हैं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन होगा। हमारी जो है 11 सूत्रीय मांग पत्र सबसे पहले जो है जिला प्रशासन को दिया था, सरकार को भी हमने दिया, भैया नगर पालिका के अधिकारियों को भी दिया है। और जो है 11 सूत्रीय मांग पत्र है, हमारा कोई विचार विमर्श नहीं किया है लोगों ने, ना एक हफ्ते के अंदर आकर हमसे कोई वार्ता की है, जबकि हमने ये टाइम दिया था। एक हफ्ते बाद अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। एक हफ्ते का टाइम था, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मजबूर होकर हमें बजट तो काफी है, लेकिन आपके लिए सूक्ष्म शब्दों में बता दे रहा हूँ। जैसे जो आदमी रिटायर है उसका कोई भुगतान नहीं है, जो आदमी मर गया उसके परिवार वालों का पूरा भुगतान नहीं है, वेतन हिलगा हुआ है, जबकि शासनादेश यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 7 तारीख तक वेतन बढ़ जाना चाहिए, नहीं बढ़ता। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहें खबर टुडे न्यूज।